आपके शॉप में आज शेयर कर रहा हूँ एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी रोल की रेसिपी, जिसका नाम है वेज सिगार रोल। रोल तो आपने कई टाइप के खाए होंगे, स्प्रिंग रोल खाए होंगे, काठी रोल खाए होंगे, लेकिन ये वाले जो क्रिस्पी रोल है बहुत ही बढ़िया एक स्नैक्स है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टफिंग है बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए कितने सुंदर और लजीज दिखने में हमारे ये सिगार रोल। सिगार का मतलब होता है एकदम एक साइज के बारीक, ना तो ज़्यादा मोटे और ना ही ज़्यादा छोटे। ये सिगार की शेप में आपको जो सिगार रोल है इसके अंदर क्या क्या स्टफिंग है ये सारी आपको दिखेगी इस वीडियो के अंदर में। तो नमस्कार, कैसे मेरे स्वाद के शौकीन मित्रों, मैं राज कुंडीर और आज आपके लिए लाया हूँ बेस सिगार रोल की रेसिपी। तो चैनल को करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस। तो लेट्स करते हैं बनाना स्टार्ट आज की बेहतरीन रेसिपी वेज सिगार रोल। यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, ये है जुकीनी, ये देखिए इसे इस तरह से हमने कट कर देनी। ये बीन्स हैं, जो जो मेरे पास यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं मैं उनको सबसे पहले चॉप कर दूंगा, फिर बना के दिखाएंगे आपको रोल्स। ये वाले जो क्रिस्पी रोल्स हैं बहुत ही बढ़िया एक आपसे स्नैक्स कह सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप खा सकते हैं। देखिए इसमें मैंने ऐड किया ये रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर भी है, और मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा कॉर्न और एलापिनो। आप चाहो तो इसके अंदर ऑलिव भी ऐड कर सकते हैं या ब्रोकली, जो भी आपका मन है आप वो सारी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैं इसके अंदर पनीर भी ऐड करूंगा। तो सबसे पहले ये सारी वेजिटेबल्स को मैंने इस तरह से कट कर देना, जैसे मैं आपको कट करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल फाइन चॉप आपने कर देनी है, बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रिस्पी जो बाहर की इसकी रोल की पट्टी होती है एकदम क्रिस्पी और अंदर से होगा बिल्कुल सॉफ्ट। वेजिटेबल कट हो चुकी है, अब एक पैन के अंदर हमने ऐड किया यहाँ पे एक चम्मच ऑलिव ऑयल का, कटी हुई बारीक लहसुन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि लहसुन को अच्छे से भून लेना है। ये देखिए एकदम बढ़िया सा जब इसमें कलर आ जाए, तो अब आप देखेंगे इसमें एक बढ़िया सा ब्राउनिश कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमारी अभी वेजिटेबल्स चॉप की थी, सारी वेजिटेबल इसके अंदर चॉप करेंगे, इसको सौते कर लेंगे इसके साथ में। आप वेजिटेबल्स का कलर देखिए कितना बढ़िया कलर इसका दिख रहा है, रेड येलो ग्रीन, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड की है, नमक स्वाद अनुसार, और ये ऑरेगानो, ये थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, और ये थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर, बस यही इसकी सीजनिंग है। आप चाहो तो इसको इंडियन स्पाइसेस के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बनाया इसे कॉन्टिनेंटल हर्ब के साथ में, क्योंकि इसके अंदर हर्ब जो आया वो आया ऑरेगानो। बस अभी देखो हमने इसे सौते कर दिया और इसे ले लेंगे एक प्लेट के अंदर में। और अब मैं इसके अंदर इसमें ऐड करूँगा पनीर, पनीर को हम डालेंगे इसके अंदर घिस के। ये देखिए वेजिटेबल हमारी बिल्कुल रेडी, और अब इसमें ऐड किया मैंने ये पनीर, जैसे मैंने आपको बताया पनीर को हमने इसके अंदर घिस के ऐड कर देना है, क्योंकि जब आपके रोल बाहर से क्रिस्पी होंगे तो अंदर से उतने सॉफ्ट होंगे, तो जो खाने का मजा आता है ना फिर बहुत ज़्यादा आने वाला है जब आप इसमें पनीर ऐड करेंगे। ये देखिए इसमें मैंने पनीर ऐड किया, अगर आपको लगे कि इसमें सीजनिंग कम है तो ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने इसमें ऐड किया यहाँ पे मोजरेला चीज़, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, अच्छे से मैश करके मिक्स करेंगे, ताकि जब हम रोल बनाएं तो रोल हमारा टूटे ना और एक अच्छे से हमारे सिगार रोल बनके तैयार हो जाएं। तो सिगार रोल आप इसे सर्व कर सकते हैं टार्टर सॉस, टोमेटो केचप, थोड़ा सा मैंने इसमें सीजनिंग ऐड की, मुझे लगा कि ये हल्का सा लाइट है, आप भी अपने टेस्ट के अनुसार इसमें सीजनिंग ऐड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मिक्सर रेडी, और ये हमारी जो सीट है, सीट यहाँ पे हमने ऑलरेडी हमने मार्केट से बाई की हुई रेडीमेड सीट थी, आप खुद भी बना सकते हैं घर पे। और इस तरह से इसके अंदर स्टफिंग रख देंगे, सीट को ऐसे फोल्ड करेंगे, मैदा जो हमने यहाँ पे पहले से घोल बना रखा हल्का सा इस पर लगा के, और ये देखिए रोल, रोल का आप साइज़ देखेंगे बिल्कुल सिगार के साइज़ का, इसके लिए इसका नाम है सिगार रोल। तो इसी तरह से सारे जो मिक्सर हमने बनाए सीट के अंदर इसे बना देंगे स्टफ्ड करके, और उसके बाद इसके रोल बनाएंगे सिगार रोल, जैसे मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से आपने इसे भर देना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ऑलमोस्ट हमने इसी तरह से सारे रोल को बना के यहाँ पे रेडी कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारे रोल बिल्कुल एक साइज़ के, एक शेप के, शेप यानी सिगार वाला शेप। अब एक कढ़ाई के अंदर रखेंगे तेल गर्म करने, तेल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है।
और जाने देंगे सारे रोल कढ़ाई के अंदर। ये देखिए वन बाय वन करके और 2 से 3 मिनट में जैसे रोल हल्के से फ्राइड होने लगेंगे अपने आप ऊपर आने लग जाएंगे। और कलर देखिए अब इनके अंदर एकदम वाइट सा कलर आएगा, थोड़ा देर और फ्राई करोगे फिर उसके बाद आएगा इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर, यानी एकदम बढ़िया से क्रिस्पी और करारे रोल आपके सामने बन के हो जाएंगे तैयार। और ये हमारे क्रिस्पी करारे रोल, आप कलर देखे ना, आप इससे लग रहा कि कितने क्रिस्पी रोल होंगे, वाह कितने सुंदर रोल। एक पेपर नैपकिन पे ले लेंगे इनको, अगर इसके अंदर बाहर से कोई हल्का सा तेल रह जाता है तो पेपर नैपकिन इसे ऑब्जर्व कर लेगा और हमें मिलेंगे बिल्कुल सूखे करारे क्रिस्पी रोल। करते हैं प्लेटिंग। प्लेटिंग के लिए इसमें हमने एक साइड में थोड़ा सा सैलेड लगा रखा है और एक प्लेट के अंदर इन्हें सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से कितने सुंदर, कितने क्रिस्पी। और कलर देखिए, कलर देख के आपको पता चल रहा है कि हमारे रोल कितने करारे और टेस्टी बनने वाले हैं। साथ में दूंगा मैं इसके 2 डिप, एक है मायो सॉस और एक है स्वीट चिली सॉस। ये देखिए 2 डिप के साथ में बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। ऊपर से पेपरिका पाउडर की थोड़ा सा इसके अंदर कर देंगे डस्टिंग, थोड़ा सा चॉप पास ले और एक बहुत ही बेहतरीन स्नैक्स की रेसिपी आपके लिए मैंने बना के दिखाई। आपने खाए होंगे स्प्रिंग रोल, ये रोल, ओ रोल, ये वाले जब आप रोल्स बना के खाओगे तो आप भी बोलोगे वाओ। एक बहुत ही सुंदर और डेलीशियस ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं स्नैक्स की रेसिपी आपके सामने बनके तैयार। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें वीडियो को लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसे लगी। तो इसी तरह की नई नई रेसिपियाँ मैं आपको देता रहता हूँ और आप हमारी रेसिपियों को पसंद भी करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस। थैंक यू सो मच। आपका दोस्त राज पुंडीर, टेक केयर।